रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूं, एक किसान होता है परिपक्व बुद्धि का होता है, वो मूंगफली को पकने से पहले कभी नहीं निकालता है। और किसान का बेटा जिसे परिपक्वता ध्यान नहीं होती है, वो कच्ची मूंगफलियों को उखाड़ देता है और उसे खाने का प्रयास करता है। उसे ये पता नहीं होता है कि ये मूंगफली अभी पकी नहीं है, छोटे दाने हैं, वो छोटा है, उससे खुशी हो जाती। ठीक वैसे ही मैथुन गणना सामाजिक में मान्यता है, शरीर की आवश्यकता है, पर गलत तरीके से फंसना, गलत तरीके से काम करना या अल्प आयु के अंदर हस्मैथुन करना या समलैंगिक से पीड़ित बहला फुसला कर या बलपूर्वक उनके साथ में हुआ है, इन लोगों को दिक्कतें ये आती है कि महिलाओं के प्रति कोई फीलिंग नहीं आती है। ये इनके साथ में इसलिए होता है क्योंकि वो कच्चे मूंगफली की तरह उन्होंने पहले ही उसका उपयोग कर लिया, पकने नहीं दी समय के ऊपर, और गलत प्रेरणा होने की वजह से उन्हें गलत दिशा मिल गई और वो सही दिशा में नहीं आ सके। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर कुनाल सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूं कि जो लोग ये दिक्कत लेके घूमते हैं कि हमें महिलाओं के प्रति कोई फीलिंग नहीं है, ये गलत सोच की वजह से आदमी अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें भर लेता है कि मैं स्त्री के योग्य नहीं हूं, मुझे वो विचार नहीं आते हैं, जिसका मूल कारण यही है कि गलत प्रेरणा मिली है और गलत प्रेरणा की वजह से वो गलत रास्ते जा रहा है। फिर वो काम की पिपाशा मिटाने के लिए कोशिश करता है कि एकांत में, और उन्हें उस दौरान एक भय व्याप्त हो जाता है जो वो कह नहीं सकते। अब उनकी स्थिति एक बुद्धि यांत्रिक हो जाती है, अर्थात यंत्र ऑटोमेटिक चलता है और वो कुछ निर्णय नहीं ले पाता है। ठीक वैसे ही हस्तमैथुन करने की समलैंगिकों में भी आदत पाई गई है, सामान्य लोगों में भी आदत पाई गई है। तो इसलिए उन लोगों को अब वो ये ढूंढते हैं कि मुझे कोई दवा खाने से फीलिंग आ जाएगी, नहीं आएगी। उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये ढूंढते हैं दर दर कि दवा खाने से फीलिंग आएगी, नहीं आएगी। आपकी प्रेरणा गलत है, आपकी दिशा गलत है। इस सब से आपको वापस वो ज्ञान लेना पड़ेगा जहां से आप भटकाव अवस्था में हुए हैं, और ये भटकाव उन लोगों के साथ में समलैंगिक में, विशेष करके 12 से 20 के बीच में, और काफी लोगों के साथ में ऐसे भी हैं जिनके अभिभावकों ने मुझे बताया कि 8 साल की उम्र में भी उनके साथ में यौन शोषण हुआ है। तो वो लड़के भी भीरू हो जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, एकांत उन्हें पसंद होता है, हस्तमैथुन से पीड़ित है, उन्हें भी नजरें उठा के देखने में दिक्कत महसूस करते हैं, किसी से नजर नहीं मिला पाते हैं, जिसका कारण यही है कि उनकी प्रेरणा गलत है और वो गलत प्रेरणाओं के कारण उसमें निरंतर आगे जा रहे हैं, और उसकी वजह से गंतव्य स्थान जहां पारिवारिक जीवन अच्छा होना चाहिए वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो उनमें एक गलत मान्यता हो जाती है, और गलत मान्यता होने से उन्हें ये लगता है कि हम नेचुरल हैं, हम इसी काबिल हैं, हम ऐसे ही हैं, जो उनकी सोच गलत है। अब इस जगह पे उन लोगों को आग में घी डालने का काम उनके साथ ही करते हैं, सहयोग करते हैं कि नहीं तू तो ऐसा ही है, अरे ऐसा नहीं है, ये पर्सनालिटी नहीं है, ये उसकी एक लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल बदली जा सकती है। और हमने ऐसे काफी लोगों को सुधारने का प्रयास किया है और सुधरे भी हैं, जिसमें काफी लोग हमें ये भी पूछते हैं कि आप ऐसी नाम बता दो, दवाई बता दो या दवाई लिख दो तो हम उससे ठीक हो जाएंगे, नहीं हो सकते। एजुकेशन एजुकेशन होता है, शिक्षा शिक्षा होती है। आपको जो शिक्षा 12 साल की उम्र में जो आकर्षण होना चाहिए था वो तो है नहीं, तो अब कोई 10 साल से पीड़ित है, कोई 5 साल से पीड़ित है, कोई 15 साल से पीड़ित है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो 20-25 साल से पीड़ित है, पर वो ठीक होते हैं कब, उन्हें वापस उसी एज की मानसिक एज में जाना पड़ेगा, और वो हम उसे उन मानसिक एज में ले जाते हैं, और ले जाने के बाद में उनके साथ में वही सिखाते हैं जिनकी उनको जरूरत है।
और वो सीखने के बाद में फिर आराम से पारिवारिक जीवन जीते हैं। और जो कच्ची मूंगफलियां उखाड़ने की जो आदतें पड़ी हुई है उसको रोक के हम, ये शरीर भी एक खेत है और इसके अंदर जो भी मांस मज्जा बनता है, वीर्य बनता है, वो खाने पीने से बनता है, भोजन से बनता है। और उसमें अगर चिंता और तनाव आ जाएगा तो ये बनने की मशीन में दिक्कतें शुरू हो जाती है। और वो प्रोडक्ट सही शरीर में उपयोग लेना चाहिए नहीं ले पाता है, उसकी वजह से ये दिक्कतें होती है। तो मनोवैज्ञानिक जो दिक्कतें हैं मैंने आपको बताई है, उस मनोवैज्ञानिक को दिक्कतों को हम दूर करके उन्हें ये उपचार देते हैं, वो व्यक्ति सारे ठीक हो जाते हैं। मेरी बात वापस सुन लीजिए, जो लोग, जो बच्चे बाल यौन शोषण की वजह से पीड़ित हुए हैं, दस्तमैथुन, समलैंगिकता, उनमें जो वैवाहिक जीवन की इच्छा नहीं होती है, वो इच्छाएं होना शुरू हो जाती है और उनकी वो तकलीफें दूर हो जाती है। उन्हें डराया भी जाता है कि हस्मैथुन की वजह से लिंग छोटा हुआ है कि तू तो ना मर दे, बिल्कुल गलत है। ये वृद्धि और विकास की भाषाएं थी, मैं निरंतर आपको दूंगा आगे आगे, जैसे समय मिलेगा मैं बताता रहूंगा कि आप लोगों को कैसे इससे बचना है। ऐसे गलत जो लोग आपको बोलते हैं उनसे आप दूर रहिए, आप सुधरिए, आप ठीक हो सकते हैं, आप रास्ता भूलें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आप जब लौट आएंगे तो वो खुशियाँ वापस आ जाएगी। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।